आज हम प्लान देखेंगे 10 फीट बाई 60 फीट का। तो ये जो घर का नक्शा है इसकी चौड़ाई 10 फीट की है और जो लंबाई है वो 60 फीट की है। तो ये हमारा कॉर्नर हाउस प्लान है। सामने आपका रोड आएगा और राइट साइड रोड आएगा, तो दो साइड आपके रोड आएंगे, तो दो साइड से आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगी, एयर मिल जाएगी और लाइट मिल जाएगी। और बाकी जो दो साइड बचेंगे आपके, वो दोनों साइड क्लोज आएंगे, वो दोनों साइड घर आएंगे। तो गाइज आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आएगा। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ गाइज, अगर आपको भी आपका प्लान बनवाना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एंट्रेंस है यहाँ 10 फीट के साइड से। तो एंटर करते ये पार्किंग का एरिया आता है। पार्किंग का जो साइज है वो 9 फीट बाई 13 फीट का है। तो आप एक कार आराम से यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। पार्किंग से हम आगे जाए तो यहाँ पे ये पैसेज दिया है हमारा 3 फीट 6 इंच का। तो आप यहाँ पे छोटा ओटला भी बना सकते हैं या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से दरवाज़ा दे सकते हैं। इससे हम एंटर करेंगे हॉल के अंदर। हॉल का जो साइज़ है वो 9 फीट बाई 12 फीट का है। जो लेंथ है वो 9 फीट की है और जो ब्रेथ है वो यहाँ से यहाँ तक जो हमारी ये लंबाई है 12 फीट की है। हॉल के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है। तो ये खिड़की हमारा यहाँ राइट साइड में, यहाँ पे रोड साइड में खुलेगी, तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा हॉल के अंदर। और हॉल के अंदर ही हमने प्रोवाइड किया है स्टेयर्स, सीढ़ियाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। तो हम यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से टर्न हो के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। और जो सीढ़ियों की चौड़ाई है वो 3 फीट और 3 फीट की है। तो इस तरफ 3 फीट है और यहाँ वाला भी 3 फीट है। और जो सीढ़ियों के नीचे की जगह है उससे हम यूज़ करने वाले हैं टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया के अंदर बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं, जो इसके बाद मैं 3D मॉडल बनाऊंगा तो उसमें आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। जो सीढ़ियों के नीचे की जगह है उसके अंदर हम टॉयलेट और बाथरूम एरिया दोनों अटैच करके प्रोवाइड कर देंगे। इससे हम आगे जाए तो हॉल के कॉर्नर में यहाँ पे ये 3 फीट का पैसेज दिया है। पैसेज के आगे यहाँ पे ये किचन का एरिया आता है। किचन का जो साइज है वो 9 फीट बाई 8 फीट का है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है। तो ये खिड़की भी हमारा रोड साइड पे खुलेगी, तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। किचन से हम आगे जाए तो यहाँ पे ये 3 फीट का दरवाज़ा दिया है। इससे हम अंदर जाएंगे बेडरूम के अंदर। तो आप देख सकते हैं लास्ट में हमने ये बड़ा सा बेडरूम प्रोवाइड किया है। तो इसका जो साइज़ है वो 9 फीट बाई 13 फीट का है। जो लेंथ है वो 9 फीट की है और जो ब्रेथ है वो 13 फीट की है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये बड़ी सी खिड़की दी है। तो ये खिड़की भी हमारी यहाँ रोड साइड पे खुलेगी, तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा बेडरूम के अंदर। और इसके अंदर ही हमने अटैच प्रोवाइड किया है टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दरवाज़ा दिया है 2 फीट 6 इंच का। तो इसे हम अंदर जाएंगे WC प्लस बाथ एरिया के अंदर। इसका जो साइज़ है वो 5 फीट 10 इंच × 3 फीट 6 इंच का है। तो जो लेंथ है वो 5 फीट 10 इंच की है और जो ब्रेथ है वो 3 फीट 6 इंच की है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है। तो आप देख सकते हैं गाइस, सबके अंदर वेंटिलेशन के लिए खिड़की जो है हमारी रोड साइड में खुलेगी, तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा पूरे घर के अंदर। तो गाइस हमारा प्लान कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बेसिकली ये जो मैंने प्लान बनाया है, एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था, तो उनके रिक्वायरमेंट और डिमांड के हिसाब से मैंने ये प्लान बनाया है। होप करता हूँ उनको ये पसंद आया हो। और हाँ गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बेडरूम बड़ा किया है, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको ये बेडरूम बड़ा चाहिए। तो लास्ट में यहाँ पे बड़ा सा कबर्ड बनाने वाले हैं और यहाँ मिडल में आप यहाँ पे वो बेड लगा सकते हैं और इस कॉर्नर में वो स्टडी टेबल लगा सकते हैं। तो इसलिए उनको बेडरूम बड़ा चाहिए। गाइज अगर आपको बेडरूम छोटा करना है तो आप 9 फीट बाई 11 फीट का बेडरूम कर सकते हैं और जो आपका हॉल का साइज है वो 9 फीट बाई 14 फीट का आप कर सकते हैं।
तो गाइज कैसा लगा आपको ये प्लान, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ गाइज, अगर आपको भी आपका प्लान बनवाना है तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो गाइज अभी ये मैंने 2D प्लान बनाया है, इसके बाद मैं इसका 3D मॉडल वीडियो बना दूंगा, आप वो भी जाके देख लेना, तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।